गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 6, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखो, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होगा। जो कटता है उसे काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो हमारे पास में आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा आंसर होगा। अगला, एक साइकिल सवार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब देखो, हमारे पास में चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, और बदलना किसे से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में से बदलना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। 5 से 5 कट गया तो बचा कितना हमारे पास में, 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट, यदि एक आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 600 मीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो मैंने देखो, ये तो हमारे पास में दूरी किस में है, मीटर में है, मीटर में है, तो चाल को हमें किस में बदलना होगा, चाल को हमें किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना होगा, 5/18 से। जो कटता है उसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 5 दूनी 10, 10/9 मीटर प्रति सेकंड, और ये हमारे पास में दूरी हुई। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, समय, और समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटावा चाल, समय का सूत्र होता है दूरी बटावा चाल, और दूरी कितनी है हमारे पास में, 600 मीटर, बटावा चाल क्या है हमारे पास में, 10/9। अब ये बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बचा हमारे पास में 600/10 × 9, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 9 5 9 6 54, और ये 1 0, ये पास हमारे पास में आ गया समय, कितना सेकंड में है, ये 540 सेकंड। अब इसे मिनट में बदलेंगे, और मिनट में बदलने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, और हमारे पास में पूरे सेकंड कितने हैं, 540, 540 को मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग देंगे, कितने बार गया, 9 बार, तो हमारे पास में कितना समय आया, 9 मिनट, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला, पल्लवी 4 किलोमीटर 500 मीटर दूरी 30 मिनट में तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है। देखो, मीटर प्रति सेकंड में है, देखो दूरी तो है हमारे पास में 4.5 किलोमीटर, और समय है हमारे पास में 30 मिनट, इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 घंटा। अब बताना क्या है हमें, चाल, और चाल होती है दूरी बटावा समय, और दूरी है बटावा समय 1/2, 4.5/1, ये बटा में ऊपर चला जाएगा, गुणा में, 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।